और वहीं लोकसभा उपचुनाव में हारने के बाद अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच भी दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जहां अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर के आरोपों पर कह दिया था कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो वहीं ओपी राजभर ने भी अब अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि अगर अखिलेश यादव ने प्रचार किया होता तो वो चुनाव नहीं हारते। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं, कोई नाराज है। ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं, कोई कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। जो चुनाव हम लोग हारे, यदि अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं हारते, खूब नहीं लगाया है। जो उनकी पार्टी के छोटे बड़े नेता हैं, पहले उनका सुझाव सुने, उनसे बात करें तो खुद बता देंगे क्या बीमारी है। ऐसा है ना, जब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी जाते हैं, योगी जी से गुफ्तगू करते हैं तो कोई चर्चा आप लोग नहीं करते हो। जब मोदी जी से जाते हैं मुलायम सिंह जी मिलने, तब आप लोग चर्चा नहीं करते हो। मायावती जी जाती हैं सोनिया गांधी से मिल के चली जाती, कोई चर्चा नहीं। लेकिन राजभर जी जब जाते हैं ना, तूफान सारा खड़ा हो जाता है। कैसे न आई यार, सबके आई, सब आली जुएल है, कोई ठीक नहीं, गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है।